गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपके इंटरनल फोर्सेस पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे आपके एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है जो आपके पृथ्वी पे चेंजेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो चेंजेस किस किस वजह से होते हैं वो हम जानेंगे। तो आपके चेंजेस हैं उनमें मेन जो रीज़न है वो है वाटर, वाइंड, आइस और वेव्स, इनकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका वर्क ऑफ वाटर, सॉरी वर्क ऑफ रिवर, कि रिवर की वजह से कैसे चेंजेस होते हैं। तो बच्चों द वर्क ऑफ रिवर इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज्स। ये बच्चों थ्री स्टेज में होते हैं इसमें चेंजेस। फर्स्ट है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इनकी कटाव, लाना और जमा करना। इसमें क्या होता है, मानो कोई जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किसी हाई जगह से पानी आ रहा है बहता बहता, है ना, और वो आके नीचे गिर रहा है तो क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है ना। और जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो अपने साथ ऊपर से कुछ अवसाद यानी कूड़ा, कचरा, कंकड़ वगैरह ये सब चीज़ बहा के लाएगा, है ना, तो वो सब कहाँ जाएंगे, नीचे गिरेंगे। और जब इतनी हाई स्पीड से ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो जो नीचे मिट्टी वगैरह होगी वो भी क्या होगी, वो भी कट जाएगी यानी कि वो भी बह जाएगी। तो इससे क्या हुआ, आपका इरोजन हुआ, और क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ पानी का नीचे, और डिपोजिशन हुआ नीचे जाके जो है जो अवसाद आया था वो भी नीचे जाके इकट्ठा हुआ। फिर आगे है द मेन वर्क ऑफ द रिवर इन द माउंटेन स्टेज इज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिनकी जो हाई जो जगह पे होता है ये माउंटेन स्टेज पे, तो उसकी वजह से इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। वो मैंने अभी आपको समझाया, इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव हुआ, मिट्टी बही, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ ऊपर से जो कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी थी वो ऊपर से नीचे आई। फिर इसके बाद एज अ रिवर एंटर द प्लेन, अब जो रिवर जो है नीचे आ गई ना, प्लेन्स पे आ गई, इनकी समतल भूमि पे आ गई, तो क्या होता है, रिवर के सीधी सीधी बहती है, नहीं कैसे बहती है, ऐसे बहती है टेढ़ी मेढ़ी बहती है ना, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मैंडर्स बोलते हैं। जो इसका टेढ़ा मेढ़ा आकार हो जाता है इसको मैंडर्स बोलते हैं। इन द स्टेज प्लेन स्टेज मिडल स्टेज, इसमें प्लेन स्टेज होती है, मिडल स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है, मैंडर जो है इसके साइड साइड में अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, कि मिट्टी, रॉक्स, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वो इकट्ठे हो जाते हैं साइड में, रेत बालू, और बीच बीच में क्या, रिवर बहती है। फिर आपके इसमें डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा क्या होता है बच्चों, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जब वो बहती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, कूड़ा कचरा लेके आती हैं बहुत सारा, तो जो कूड़ा कचरा होता है वो क्या, वो नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है, है ना। तो किस शेप में इकट्ठा होता है, ऐसे ट्रायंगल शेप में इकट्ठा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, कूड़ा कचरा होता है जो कि नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है। जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे चीज़ लेके बहती है, क्योंकि जो फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, तो छोटे छोटे किंकड़ पत्थर मिट्टी कूड़ा कचरा लेके बहती है, तो कहीं पे जाके जब वो मोड़ आता है जिस तरीके से यहाँ आ रहा है तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो सब, और वो ऐसे ट्रायंगल शेप बनाता है जिसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये बच्चों, तो ये था आपका वर्क ऑफ रिवर के कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए। तो नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ वाइंड, कि हवा का क्या काम है। बच्चों जहाँ पे क्या डेजर्ट होते हैं वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, और जो हवा चलती हैं वो क्या करती हैं, रेत को उड़ाती हैं अपने साथ। जो वहाँ पे डेजर्ट में रेत होता है, सैंड होता है, उसको अपने साथ उड़ाती हैं, और उड़ा उड़ा के एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो कैसे बन जाते हैं, माउंटेन से बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स, है ना। तो इस तरीके से आपने वाइंड ने क्या है, क्या एक्सटर्नल चेंज किया अर्थ पे, कि क्या जो सैंड थी उससे माउंटेन बना है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या वर्क है। बच्चों इन द हाई माउंटेन्स वी फाइंड ग्लेशियर्स, बच्चों जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे हम ग्लेशियर्स मिलते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं बच्चों, ये
आइस की रिवर होती है, इनकी बर्फ की रिवर होती है जिसमें आइस बहती है, बर्फ बहती है। और इसमें क्या, ग्लेशियर केव्स आउट डीप होलोज एंड फॉर्म यू शेप्ड वैलीज इन देयर पाथ, और अपने पाथ में क्या यू शेप्ड वैली बना लेती हैं, घाटियां बना लेती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स यानी कि जो समुद्र में जो वो आते हैं, वेव्स आती हैं, उनसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। बच्चों जो सी वेव्स आती हैं अलोंग द सी कोस्ट, द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल इन लैंड फॉर्म्स बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। व्हेन द सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक द रॉक अलोंग द सी कोस्ट क्रेव्स डेवलप एंड स्लोली दे बिकेम लार्ज एंड वाइडर। बच्चों क्या होता है, जब सी में यानी कि समुद्र में भी पानी बहता रहता है तो वो उससे भी क्या होता है, जहाँ पे वो पहाड़ होते हैं है ना, समुद्र में जो पर्वत वगैरह होते हैं, रॉक्स होती हैं, तो उनके रिवर समुद्र के डायरेक्ट फ्लो से क्या होता है, उनमें ऐसे शेप बन जाती है। जैसे आप इसमें पिक्चर दी हुई हैं, हमें तीन पिक्चर दी हुई हैं, इस तरीके से जो है पानी अपना रास्ता बना लेता है केव्स में से। तो इनके अलग अलग नाम हैं, ये जो केव बना ली इसको सी केव बोलते हैं। अगर क्या होता है, अगर ऐसे डायरेक्ट खड़ा हो जाता है माउंटेन, खड़ा एक लाइन सी खड़ी होती है, उसको स्टैक बोलते हैं। और जो इस तरीके से होलो बन जाता है उसको सी आर्च बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, ये आपके सी के फ्लो के, पानी के फ्लो की वजह से होता है, ये जो पानी अपना रास्ता बना लेता है इस वजह से। और नेक्स्ट आपने देखा होगा समुद्र भी क्या अपने साथ रेत लाता है ना, रेत बालू ये सब चीज़ लेके आता है, और कहाँ अपने तट पे इकट्ठा कर देता है बह बह के, कहाँ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सब, आपने टीवी में देखा होगा। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, समुद्र किनारे जहाँ जो रेत होता है उसको बीच बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आप इस लेसन के बुक वर्क खुद करेंगे ठीक, और मुझे सेंड करेंगे करके कि आपने खुद किया है कि नहीं किया है, और कल आपका आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।